कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दिवंगत जनरल बिपिन रावत के अपमान का आरोप लगाया है। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने रविवार को रायपुर में कहा, यह सरकार जवानों को 4 साल में रिटायर करने की स्कीम लाकर दिवंगत जनरल बिपिन रावत का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस योजना के खिलाफ मंगलवार को देश भर में सत्याग्रह करने जा रही है। इसके साथ ही शोभा ने आगे कहा कि जनरल रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सेना में सैनिक 17 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनके रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक सर्कुलर भी निकाला था। अब सरकार की अग्निपथ योजना उनकी सोच और इच्छा का सीधा अपमान है। तीनों सेनाओं अध्यक्ष के योजना के समर्थन में उतरने के सवाल पर शोभा ओझा ने कहा कि जो लोग ऑफिस में हैं वे उससे बंधे हुए हैं, लेकिन पूर्व सैनिक अफसर, रक्षा विशेषज्ञ और युवा सब इस योजना का विरोध कर रहे हैं। यह गलत योजना है जो मौजूदा समस्याओं का समाधान किए बिना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई मुसीबत पैदा करेगी। वहीं इसके आगे शोभा ने कहा, देश के अधिकतर युवा इस योजना के खिलाफ खड़े हैं। केंद्र सरकार को इस विवादित योजना को वापस लेना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।